बाल से हेलमेट लाई है मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में देर रात अचानक अनाया सर्जिकल आइटम के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थीं। आग लगने की वजह से करोड़ों की दवाएं और सर्जिकल आइटम जलकर खाक हो गए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त गोदाम में ताला लगा हुआ था। गोदाम से आग की लपटें बाहर तक निकल रही थीं। पड़ोसियों ने जैसे ही गोदाम के अंदर से धुआं और आग की लपटें उठती देखी तुरंत गोदाम के मालिक और फायर ब्रिगेड को फोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही कुछ देर बाद ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मगर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग भयानक रूप ले चुकी थी। एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां बुलानी पड़ी। आधे घंटे बाद कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये हुमायूं नगर थाना लोहिया नगर में आग की सूचना जैसे प्राप्त हुई तैसे ही चार गाड़ियां यहां पहुंची हैं और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इसमें कोई जीवहान नहीं है और बात समाप्त अग्निशमन कार्य जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये रहमतुल्ला का मकान आवासीय मकान है और जिसे इन वाहिद द्वारा दिया गया था और वाहिद द्वारा इसमें जो है दवाओं का गोदाम जो है बना लिया गया था और चूंकि संभवतः आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई प्रतीत हो रही है और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इसमें कोई कितने तक का नुकसान है अब ये जानकारी की जा रही है, जांच के बाद पता चलेगा कितने का नुकसान। कितनी गाड़ियां अब तक इसमें लग चुकी हैं? अब तक चार गाड़ियां लग चुकी हैं। गोदाम के अंदर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की दवाएं और सर्जिकल सामान रखे थे। यहां भारी मात्रा में दवाइयां भी फ्रीजर में रखी हुई थीं। आग लगने से करोड़ों का सर्जिकल सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ से पंजाब केसरी टीवी के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।